सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो में, और ये पार्ट सेकंड होने वाला है। अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो जाके देखिए, जो कि हमने पीपाल रोड जंक्शन से ओडेगाना तक कवर किया है कंप्लीट डिटेल के साथ। तो अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो जाके देखना जरूर, काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये पार्ट सेकंड होने वाला है जो कि हम डेगाना से और फुलेरा तक कवर करने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब बात कर लेते हैं डेगाना जंक्शन के इलेक्ट्रिफिकेशन की। तो डेगाना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर ही अभी पोल्स लगाए गए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर अभी इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं लगाए गए हैं। ओनली प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर ही पोल्स लगाए गए हैं। स्टेटूप और ब्रेक ट्यूब्स का वर्क अभी यहाँ पर स्टार्ट नहीं किया गया है डेगाना जंक्शन पर। अब आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पे न्यू वाली लाइन पर इलेक्ट्रिक पोल्स को 90 डिग्री पर भी खड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू वाली लाइन पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल्स को 90 डिग्री पर खड़ा कर दिया गया है, परंतु अभी स्टेटूप और ब्रेक ट्यूब्स का वर्क स्टार्ट नहीं किया गया है न्यू वाली लाइन पर। अब रेगुलर करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं जहाँ से वायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो गाइस, डेगाना गच्छीपुरा सेक्शन की इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए वायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओनली यहाँ पे कैटनरी वायर को ही लगाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटूप और ब्रेक ट्यूब तो लगाए जा चुके हैं और यहाँ पे वायरिंग के लिए कैटनरी वायर भी लगाया जा चुका है। अब जैसे ही हम आगे की ओर चलते हैं गच्छीपुरा की ओर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट वायर को भी लगा दिया गया है। दोनों वायरों को अभी एक तार की सहायता से अभी जोड़ा गया है। पर जैसे ही हम गच्छीपुरा रेलवे स्टेशन की ओर आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पर दोनों वायरों को ड्रॉपर वायर की सहायता से जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे वायरिंग का काम तो कंप्लीट किया जा रहा है काफी तेजी से। अब रेगुलर करते हैं इस वीडियो को और आपको मिलते हैं गच्छीपुरा रेलवे स्टेशन के अराइवल पर। तो गाइज, अब हम आ चुके हैं गच्छीपुरा रेलवे स्टेशन और यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे वायरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। 80 से 90% तक वायरिंग का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की मेन लाइन पर अभी कुछ वर्क किया जा रहा है, यानी जो पुराने वाले स्लीपरों को हटाकर नए वाले स्लीपर अभी लगाए जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की मेन लाइन। काफी तेजी से ये वाला वर्क किया जा रहा है स्लीपर चेंज करने का। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और उसकी मेन लाइन पर तो वायरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 की वायरिंग प्रॉपर तरीके से अभी नहीं की गई है। अभी कुछ वर्क रहा है, वायरिंग तो कंप्लीट हो चुके पर वायरिंग प्रॉपर तरीके से अभी नहीं की गई है गच्छीपुरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 की जो मेन लाइन है उस पर भी अभी प्रॉपर तरीके से वायरिंग नहीं हुई है। अब रेगुलर करते हैं इस वीडियो को और आपको मिलते हैं आगे। सो गाइस, अब हम रवाना हो चुके हैं गच्छीपुरा रेलवे स्टेशन से। और रवाना होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो न्यू वाली लाइन पर अभी ओनली पोल्स लगाए गए हैं और उन्हें 90 डिग्री पर खड़ा किया गया है। अभी यहाँ पे स्टेटूप और ब्रेक ट्यूब्स का वर्क स्टार्ट नहीं किया गया है न्यू वाली लाइन पर पुरानी वाली लाइन पर यहाँ पर स्टेटूप और ब्रेक ट्यूब्स भी लगा दिए गए हैं और उन पर कॉन्टेक्ट वायर और कैटनरी वायर को आपस में ड्रॉपर वायर की सहायता से भी जोड़ दिया गया है। तो अब रेगुलर करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं आपको आगे। सो
गाइज अब हम रवाना हो चुके हैं बेसरोल रेलवे स्टेशन से। यहाँ पे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की। तो प्लेटफॉर्म नंबर एक और प्लेटफॉर्म नंबर एक की मेन लाइन पर तो वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है और प्लेटफॉर्म नंबर दो पर भी वायरिंग हो चुकी है, परंतु प्लेटफॉर्म नंबर दो की जो मेन लाइन है उस पर अभी वायरिंग नहीं की गई है। आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पर आर्म भी नहीं लगाया गया है और ना ही स्टेटोप और ब्रेक ट्यूब्स का वर्क किया गया है मेन वाली लाइन पर। और देख सकते हो आप बेसरोल रेलवे स्टेशन पर कितना इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क कंप्लीट हो चुका है, परंतु हम जैसे ही बेसरोल रेलवे स्टेशन से निकल के बोरावर की ओर चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यू वाली लाइन पर फिर से अभी ओनली पोल्स ही लगाए गए हैं, ओनली उन्हें 90 डिग्री पर ही खड़ा किया गया है। स्टेटोप और ब्रेक ट्यूब्स का वर्क भी यहाँ पर भी स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं किया गया है। अब आपको मिलेंगे बोरावर रेलवे स्टेशन के डिपार्चर पर। गाइज अब हम रवाना हो चुके हैं बोरावर रेलवे स्टेशन से। यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए प्लेटफॉर्म नंबर एक और प्लेटफॉर्म नंबर एक की मेन लाइन पर ही ओनली वायरिंग की गई है। प्लेटफॉर्म नंबर दो और प्लेटफॉर्म नंबर दो की जो मेन लाइन है अभी यहाँ पर वायरिंग स्टार्ट नहीं की गई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी स्टेटोप और ब्रेक ट्यूब्स का वर्क भी स्टार्ट नहीं किया गया है जो मेन वाली लाइन है। वैसे आपने देखा होगा कि बेसरोल रेलवे स्टेशन पर ओनली मेन लाइन पर ही वायरिंग का काम स्टार्ट नहीं किया गया था, परंतु बोरावर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर दो पर भी और मेन लाइन पर भी अभी वायरिंग का काम स्टार्ट नहीं किया गया है। अब रेगुलर करते हैं इस वीडियो को और आपको मिलते हैं मकराना जंक्शन के अराइवल पर, और आप देखिए कि कितना इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क कंप्लीट हो चुका है मकराना जंक्शन तक। सो गाइज अब हम आ चुके हैं मकराना जंक्शन। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की। तो मकराना जंक्शन से एक्सप्रोक 2 किलोमीटर पहले तक ही अभी इलेक्ट्रिक पोल्स लगाए गए हैं। पुराने वाले ट्रैक पर वायरिंग की जा चुकी है और न्यू वाले ट्रैक पर अभी पोल्स लगाए गए हैं और उन्हें 90 डिग्री पर खड़ा किया गया है। पर पुराने वाले ट्रैक पर वायरिंग की जा चुकी है। बोरावर रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा कि कितना इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क कंप्लीट हो चुका है। प्लेटफॉर्म नंबर एक और मेन लाइन पर अभी वायरिंग की जा चुकी है। प्रॉपर तरीके से वायरिंग अभी नहीं की गई है, ओनली वायरिंग की गई है मतलब प्रॉपर तरीके से अभी नहीं की गई है, अभी कुछ वर्क रहा है वायरिंग में भी। और प्लेटफॉर्म नंबर दो और प्लेटफॉर्म नंबर दो की जो मेन लाइन है उस पर अभी वायरिंग स्टार्ट नहीं की गई है बोरावर रेलवे स्टेशन पर। और मकराना जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर अभी फाउंडेशन का वर्क स्टार्ट नहीं किया गया है, ना ही पोल्स आए हैं मकराना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। अब मिलेंगे आपको मकराना जंक्शन के डिपार्चर पर और देखते हैं आगे का क्या स्टेटस रहने वाला है इलेक्ट्रिफिकेशन का। मकराना जंक्शन से रवाना होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे फाउंडेशन का वर्क कंप्लीट हो चुका है। सामने आप देख रहे हो ये लाइन जा रही है पर्वतसर की ओर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाउंडेशन का वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही यहाँ पे लाइन दोनों डाइवर्ट होती है तो पर्वतसर वाली लाइन पर तो फाउंडेशन भी बना दिए गए हैं और पोल्स को 90 डिग्री पर खड़ा कर उन पर स्टेटोप और ब्रेक ट्यूब्स का वर्क भी कंप्लीट हो चुका है, परंतु फुलेरा वाली लाइन पर ओनली अभी फाउंडेशन का वर्क ही कंप्लीट किया गया है। पुरानी वाली लाइन पर नई वाली लाइन पर अभी फाउंडेशन भी नहीं बनाए गए हैं कुचामन सिटी की ओर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी न्यू वाली लाइन पर अभी फाउंडेशन भी नहीं बनाए गए हैं, ओनली पुरानी वाली लाइन पर ही अभी फाउंडेशन बनाए गए हैं। अब रेगुलर करते हैं इस वीडियो को और आपको मिलते हैं कुचामन सिटी के डिपार्चर पर।
सो गाइज अब हम रवाना हो चुके हैं कुचामन सिटी रेलवे स्टेशन से। अब बात कर लेते हैं मकराना जंक्शन और कुचामन सिटी के बीच के इलेक्ट्रिफिकेशन की। तो आपने देख लिया होगा कि पुराने वाले ट्रैक पर ही अभी फाउंडेशन का वर्क कंप्लीट किया गया है, न्यू वाले ट्रैक पर अभी फाउंडेशन नहीं बनाए गए, पुराने वाले ट्रैक पर ही अभी फाउंडेशन का वर्क कंप्लीट किया गया है। परवर सर वाली लाइन पर फाउंडेशन भी बना दिए गए, पोल्स भी लगा दिए गए और उन पर स्टेटोप और ब्रेक ट्यूब्स का वर्क भी कंप्लीट किया जा चुका है परवर सर वाली लाइन पर। परंतु फुलेरा वाली लाइन पर अभी ओनली फाउंडेशन का वर्क ही कंप्लीट किया है पुराने वाले ट्रैक पर। अब हम रवाना हो चुके हैं कुचामन सिटी रेलवे स्टेशन से। अब यहां से स्टार्ट होता है डबलिंग का वर्क। कितना डबलिंग का वर्क हो चुका है फुलेरा तक, ये होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग पार्ट। अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वाले पार्ट को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए। अब हो चुके हैं हम कुचामन सिटी से रवाना। अब आगे देखते हैं कि कितना डबलिंग का वर्क हो चुका है। अब रेगुलर करते हैं इस वीडियो को। कुचामन सिटी से आगे की ओर चलने पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि जमीन को यहाँ पर इक्वल तो किया जा चुका है, ओनली जमीन को यहाँ पर इक्वल ही किया गया है। अभी यहाँ पे बैलेस्ट लेयर बिछाई जाएगी, उसके बाद स्लीपर आएंगे, उसके बाद ट्रैक को भी बिछाया जाएगा। अभी यहाँ पे काफी वर्क बचा हुआ है। वैसे यहाँ पे काफी तेजी से यहाँ पे डबलिंग का वर्क भी किया जा रहा है कुचामन सिटी फुलेरा सेक्शन पर। अब रेगुलर करते हैं इस वीडियो को और देखिए आप आगे कितना डबलिंग का वर्क हो चुका है। सो गाइज अब हम पहुंचने वाले हैं नावा सिटी रेलवे स्टेशन। यहाँ पे बात करें डबलिंग की तो डबलिंग के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जमीन को इक्वल करने के लिए कुछ मट्टियां पड़ी हुई हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पे जमीन को इक्वल में किया जा चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जमीन को एकदम इक्वल में किया जा चुका है। अब यहाँ पे बैलेस्ट लेयर बिछाई जाएगी, उसके बाद स्लीपर और उसके बाद यहाँ पे ट्रैक को बिछाया जाएगा, उसके बाद सेकंड बैलेस्ट लेयर बिछाई जाएगी ट्रैक पर। अब जैसे ही हम नावा सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिफिकेशन का बिल्कुल भी वर्क नावा सिटी रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंचा है। रेलवे स्टेशन पर ना ही फाउंडेशन बनाए गए हैं नावा सिटी रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क नहीं है नावा सिटी रेलवे स्टेशन पर। अब होते हैं यहाँ से रवाना और आपको मिलते हैं गोविंदी मारवाड़ रेलवे स्टेशन के स्कीप के बाद।
गाइस अब हम स्किप कर रहे हैं गोविंद दी मारवाड़। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डबलिंग के लिए यहाँ पे जमीन को इक्वल किया जा चुका है। इस वाले ट्रैक को मेन ट्रैक में कन्वर्ट किया जाएगा और यहाँ पर एक लूप लाइन बिछाई जाएगी और यहाँ पे प्लेटफॉर्म का काम काफी तेजी से किया जा रहा है और यहाँ पे जमीन को तो इक्वल किया जा चुका है। अब रेगुलर करते हैं इस वीडियो को और आगे देखते हैं कि जहाँ से ट्रैक बिछाया जा चुका है, क्योंकि अब आपको यहाँ पर ट्रैक बिछा हुआ दिखेगा कि यहाँ पर कितनी तेजी से डबलिंग का वर्क किया जा रहा है। यहाँ पे गोविंद मारवाड़ से और गुडा के बीच यहाँ पे 70-80% यहाँ पे ट्रैक बिछाया जा चुका है। गुड़ा रेलवे स्टेशन से पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रैक बिछाया जा चुका है। इस वाले लोकेशन पर आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रैक तो बिछाया जा चुका है और यहाँ पर बैलेंस्ड लेयर कुछ लोकेशन पर बिछा दी गई है ट्रैक बिछाने के बाद, और कुछ लोकेशन पर अभी ट्रैक पर बैलेंस्ड लेयर बिछाना बाकी है। सेकंड बैलेंस्ड लेयर बिछाना अभी यहाँ पर बाकी है। अब रेगुलर करते हैं इस वीडियो को और आप देखिए कि कितना यहाँ पर डबलिंग का वर्क कंप्लीट हो चुका है और कितना यहाँ पर ट्रैक बिछाया जा चुका है। अब आपको मिलेंगे गुड़ा रेलवे स्टेशन के स्कीप के बाद। स्किप कर रहे हैं गुड़ा रेलवे स्टेशन। यहाँ पे बात कर लेते हैं डबलिंग के, तो डबलिंग के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कि पहले लूप लाइन थी उसे अब हटा दिया गया है और जमीन को अब किया जा रहा है इक्वल में। यहाँ पर अब जमीन को इक्वल किया जा रहा है जो कि लूप लाइन थी, अब यहाँ पर एक मेन लाइन बिछाई जाएगी और उसके बगल में यहाँ पर लूप लाइन बिछाई जाएगी। यहाँ पर काफी तेजी से वर्क किया जा रहा है, जिस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, आप समझ ही सकते हो कि कितना तेजी से यहाँ पे डबलिंग का वर्क किया जा रहा है, जमीन को इक्वल किया जा रहा है। अब रेगुलर करते हैं इस वीडियो को और आपको मिलेंगे अब सामर लेक रेलवे स्टेशन के डिपार्चर पर। अब हम रवाना हो चुके हैं सांबर लेक स्टेशन से। अब बात कर लेते हैं डबलिंग की, तो गुड़ा और सांबर लेक के बीच यहाँ पे जमीन को तो इक्वल किया जा चुका है, पर कुछ लोकेशन पर अभी ब्रिज का काम किया जा रहा है गुड़ा सांबर लेक सेक्शन पर। अब आपको मिलते हैं फुलेरा जंक्शन पर और आप देखिए सांबर लेक से फुलेरा के बीच कितना ट्रैक बिछाया जा चुका है फुलेरा तक।
अब हम पहुंच चुके हैं फुलेरा जंक्शन। बात कर लेते हैं डबलिंग की। सांभर लेक से फुलेरा के बीच डबलिंग के लिए ट्रैक बिछाया जा चुका है, पर कुछ लोकेशन पर अभी ट्रैक बिछाने का कार्य बचा हुआ है। वैसे आपने देखा होगा कि 90% ट्रैक अभी बिछाया जा चुका है सांभर लेक फुलेरा सेक्शन पर ट्रैक पर सेकंड बैलेस्ट लेयर बिछाना अभी बाकी है, पर कुछ लोकेशन पर ट्रैक बिछाना भी अभी बाकी है। और अपना सेकंड पार्ट था फुलेरा तक की। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यदि आपका कोई भी डाउट्स रह गया हो पीपा रोड जंक्शन से फुलेरा के बीच डबलिंग प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन का, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपका कुछ भी डाउट्स नहीं रहना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कुछ भी आपका डाउट्स रह गया हो। और अपना सेकंड पार्ट था फुलेरा तक की। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब मिलेंगे जल्दी एक और इंटरेस्टिंग यूजफुल धमाकेदार जर्नी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।